नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी ई कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से थेवेनिन थ्योरम की मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें करंट फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो जब भी आपको थेवेनिन थ्योरम का कोई भी न्यूमेरिकल मिलेगा और आपको कहेगा कि पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फाइंड करिए या रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करिए, तो आप उसका एक नाम जरूर लिख देंगे ए एंड बी, जिससे कि वो आप हमेशा ध्यान रहे कि ये दो टर्मिनल हैं जिनके अक्रॉस जो है हमको RTH या VTH कैलकुलेट करना है और बाद में इस 10 ओम में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखें तो यहाँ पर क्या होगा, हमको क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि RL की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। RL की वैल्यू 10 ओम का मतलब जिस रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करने के लिए कहा गया है वो आपका 10 ओम होगा। अगर आपने इससे पहले जो है थेवेनिन थ्योरम का थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना के डिटेल में डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसको कार्ट में डाल दूंगा। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। आप देखें इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से, तो इस 10 ओम में कहा गया तो हमें पहले RTH निकालना होगा और उसके बाद VTH। तो वन बाय वन दोनों कैलकुलेशन करेंगे और लिखेंगे हम पहला कैलकुलेशन फॉर RTH, और उसके लिए जो स्टेप्स होते हैं RTH कैलकुलेट करने के लिए हम उसको फॉलो करेंगे, जिसमें पहला स्टेप है कि लोड रेजिस्टेंस को नेटवर्क से हटा देते हैं और सोर्सेस जितने भी होंगे उनको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो सोर्स रिप्लेसमेंट के बारे में भी आप चाहें तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देखें, और उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको कार्ट में डाल दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो अब मैं जो है उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पर RTH के लिए डायग्राम बनाता हूँ। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा देंगे और बाकी के जो सोर्स हैं उनको भी यहाँ स्पेस छोड़ देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पे सोर्स है इसको भी स्पेस छोड़ दिया। अभी हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। तो ये जो रिप्लेसमेंट है ये 16 वोल्ट का है, यानी कि वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को हमेशा शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, और ये करंट सोर्स है तो इसको ओपन सर्किट से ही रिप्लेस करेंगे। तो अब इसके बाद अगर हम देखें तो जो भी रेजिस्टेंस यहाँ ए और बी टर्मिनल के बीच में है वही अब रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, आपका RTH कहलाएगा। तो हम यहाँ पर RTH निकालेंगे। अब देखिए उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो आप देखोगे तो ये ओपन सर्किट है तो इधर तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। तो हम देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है आप देखिए यहाँ से होते हुए ये पॉइंट और ये जो बी पॉइंट है ये दोनों एक ही हैं, यानी कि ये जो इतना हिस्सा है ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेटवर्क से बाहर हो जाएगा। तो जब नेटवर्क से बाहर हो जाएगा तो रेजिस्टेंस जो RTH बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अगर इतना हिस्सा आप हटा देंगे तो इतना हिस्सा हटाने के बाद जो डायग्राम होगा वो ये बन जाएगा, सिर्फ यहाँ पर ये बचेगा ए और ये हो गया बी और ये बचेगा क्या, 12 ओम। तो यानी कि ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या है, हमारा RTH है, तो RTH की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी, सिंपली 12 ओम। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सा रेजिस्टेंस इंक्लूड हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चीज़ें आपको डायग्राम बनाने के बाद ही दिखेगी। अब हम लोग जो है बात करते हैं VTH के कैलकुलेशन के लिए, तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर VTH। तो देखिए ये ऊपर से ही मैंने डायग्राम एज इट इज जो क्वेश्चन दिया था उसको यहाँ पे कॉपी कर लिया है, और आप यहाँ पे देखेंगे क्या करना होगा आपको, VTH के लिए जो डायग्राम बनाना था उसमें स्टेप होता है कि आप क्या करते हैं, लोड रेजिस्टेंस को नेटवर्क से हटा देते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस को नेटवर्क से हटा रहा हूँ, लोड रेजिस्टेंस को हटाने के मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ यहाँ से, तो अब जो डायग्राम बन के आएगा वही डायग्राम हमारा क्या है, आपका VTH के लिए डायग्राम है। और अब इस कंडीशन में जो भी आपका वोल्टेज होगा ए और बी के बीच में वही वोल्टेज क्या कहलाएगा, VTH कहलाएगा। तो उसको देखें आप, तो क्या होगा, अब यहाँ देखें तो ये आपका एक क्लोज पाथ ये बनेगा, एक क्लोज पाथ ये बनेगा, और ये आपका ओपन सर्किट ही रहेगा। तो अब देखिए मैं यहाँ पे जो है करंट एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे करंट हमने मान लिया कितनी है I1, और यहाँ पर करंट हमने क्या मान लिया I2, और जो माना है उसके अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस भी लिख लेंगे। तो प्लस माइनस हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस और माइनस, इस करंट के अकॉर्डिंग देखिए तो ये प्लस माइनस और प्लस और माइनस, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अब हम वन बाय वन KVL अप्लाई करेंगे दोनों लूप में, तो लिखेंगे हम अप्लाई KVL इन लूप वन, और इक्वेशन क्या मिल जाएगी हमको, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और क्लॉक वाइज में जा रहा हूँ, तो आ जाएगा 16-8 टाइम्स I1 माइनस I2 -4 टाइम्स I1 इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करेंगे तो आ जाएगा -12 I1 प्लस 8 I2 इज इक्वल टू -16, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1।
अब हम इक्वेशन लूप एना लूप की बात करेंगे, सेकंड लूप की, केवीएल अप्लाई करने के लिए। लेकिन आप देखें तो यहाँ पे एक करंट सोर्स है लगा हुआ है और वो एक ही लूप में इन्वॉल्व है, ये लूप नहीं है, सिर्फ ये सेकंड लूप में इन्वॉल्व है। तो हमको यानी कि डायरेक्ट करंट की वैल्यू मिलने वाली है। अब हम यहाँ बस चेक करना है कि जो हमने करंट माना है उसकी डायरेक्शन और यहाँ जो करंट सोर्स दिया है इसकी डायरेक्शन दोनों सेम है या अपोजिट है। तो आप देखिए, तो आप यहाँ पर जब इस तरह से देखेंगे क्लॉकवाइज में जाके, तो करंट क्या है, एक तरफ से जो हमने माना है वो इस करंट सोर्स के अपोजिट है। तो करंट सोर्स के अगर अपोजिट है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 एम्पियर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यानी कि अगर आपका सेम डायरेक्शन होता, यानी कि I2 भी जो है एंटी क्लॉकवाइज होता, इस तरह से होता, तो दोनों की जब सेम डायरेक्शन होती तो हम I2 की वैल्यू 6 लेते, अपोजिट है इसलिए -6 ले लिया हमने। तो अब क्या होगा, अब दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू ऑन सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी आ गई, -2.667। तो -2 का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो करंट की डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज मानी वो एक्चुअली में एंटी क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पर भी जो हमने करंट, देखिए I2 की वैल्यू भी -6 है, तो यहाँ भी जो करंट होगी वो एक्चुअली में एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो कर रही होगी। अब हम क्या करेंगे, बी से ए के बीच का वोल्टेज निकालेंगे। तो बी से ए के बीच का वोल्टेज निकालने के लिए आप देखें तो यहाँ कई सारे पाथ हैं। जैसे एक पहला पाथ है, यहाँ से हम बी से स्टार्ट किया, -4 से होते हुए यहाँ गए थे, लेकिन इस पाथ में एक करंट सोर्स आ गया और इस करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज हमें नहीं पता है। तो हम जबकि हमको VTH फाइंड करते समय वोल्टेज की वैल्यू चाहिए होती है हर एलिमेंट के अक्रॉस, तो इस पाथ को हम फॉलो नहीं कर सकते। वैसे ही अगर कोई सोचे कि इधर से जाएं 16 से 8 से होते हुए यहाँ पर आएँ, तो भी वो नहीं कर सकता क्योंकि अगेन ये करंट सोर्स आ जाएगा। तो तीसरा एक ही बच जाता है, हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे 16 से होते हुए, इधर से होते हुए यहाँ की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ए तक पहुँच जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, VTH इज इक्वल टू, बी से स्टार्ट किया तो आएगा हमारा 16 -12 टाइम्स I2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 -12 × I2 की वैल्यू है -2.667। नेगेटिव में है तो हम नेगेटिव में ही रखेंगे, तो हमें यहाँ पे VTH की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 48.004 वोल्ट। तो इस तरीके से हमें VTH की वैल्यू मिल गई है। अब हमारा अगला काम है थेवनिन इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना। तो थेवनिन इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा होगा, तो ये डायग्राम जो है आपका थेवनिन इक्विवेलेंट डायग्राम है और यहाँ से हम बड़े आराम से जो है IL की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो IL इज इक्वल टू क्या होता है, VTH/RTH + RL, यानी कि VTH की वैल्यू है 48 approximately 0.004 / RTH की वैल्यू कितनी है, हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की थी तो RTH की वैल्यू हमको मिली थी 12। अब देखें यहाँ पे ये कितना है वैल्यू, 12 है, तो 12 रखेंगे 12, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 12। और RL की वैल्यू जो है न्यूमेरिकल में दी गई थी, RL की वैल्यू देखिए वो 10 दी गई थी, यानी जिसमें रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करने के लिए कहा गया था 10 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 10 रख देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर 10 रखेंगे हमको एक आंसर मिल जाएगा और वो IL की वैल्यू होगी, ये मिल जाएगी 2.182 एम्पियर। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है किसी भी सर्किट में थेवनिन थ्योरम का एप्लीकेशन करके करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू पूछी गई है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो जो है क्वेश्चन को समझा होगा, आपने समझ लिया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।